नम हरिहंताणं नम सिद्धाणं नम आयिरियाणं नम वज्जायाणं नम लोय समसाहो मंगलम भगवान बीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदायु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आज मैंने एक टॉपिक बोला था आपको, उसकी चर्चा करना है। जितने अच्छे से मैं करना चाहता था उतने अच्छे से तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आपके भाई भागन जितना आ जाए उसी में आप लाभ ले लेना। प्यारे बच्चों, तीन चार टॉपिक आपको बताना है, शांति से समझना सभी लोग। विद्या और शिक्षा में अंतर है, विद्या और शिक्षा में अंतर है। तो ऐसी भाषा में कहते हैं, क्षेत्रम ज्ञान में और टैलेंट, क्षेत्रम ज्ञान और टैलेंट में अंतर है। ध्यान से सुनना, क्षेत्रम ज्ञान को यदि आजकल की भाषा में कहें तो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज। आपको आजकल के बच्चों को इन्फॉर्मेटिव नॉलेज बहुत हो सकती है, वे गूगल सर्च मार सकते हैं, टेलीविजन देखते होंगे तो बहुत बातें बता देंगे, अखबार पढ़ेंगे तो बहुत बातें बता देंगे। आप देख रहे होंगे आजकल के बच्चों में इंफॉर्मेटिव नॉलेज बहुत है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं इनके पास बुद्धि बहुत अच्छी है, शिक्षा इनकी अद्भुत शिक्षाएं हैं। विद्या और शिक्षा में अंतर है बेटे, सभी लोग ध्यान से सुनना। अब समझ में कुछ नहीं आया जैसे खोल के कहता हूं। टैलेंट, एक शब्द सुना है टैलेंट, मैं इसका भाव समझाता हूं आपको, धागा नहीं तोड़ो। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, नाम तो सुनी होगा प्रतिभा, टैलेंट। आजकल के बच्चों के पास डिग्रियां तो हैं, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है, क्षेत्रम भी है, बहुत जम के क्षेत्रम है, लेकिन प्रतिभा बहुत कम है। सभी बच्चे समझना, तो क्या अंतर है साहब क्षेत्रम ज्ञान अथवा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज और प्रतिभा में क्या अंतर है? बेटे आप सबको ये मैं कहना चाह रहा हूं, आप टैलेंटेड बने। एक बच्चा 90% से पास हुआ तो आपको लगता है वो टैलेंटेड है? सभी लोग ध्यान से सुनना, पेरेंट्स भी। एक बच्चा 100% नंबर से पास हो गया तो आपको लगता है वो टैलेंटेड है? एक बच्चा मोबाइल चला लेता है, इंटरनेट चला लेता है तो आपको लगता है वो टैलेंटेड है? लेकिन टैलेंट को कैसे नापें उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बेटे इतनी देर में तो सेट कर देना चाहिए था, सब लोग देख रहे हैं उनको।
टैलेंट का मतलब जल्दी बताता हूँ, ध्यान से सुने। टैलेंट उसका नाम है जो समस्याएं आने पर भी मुस्कुराता रहे। क्या बोला हमने? टैलेंट उसका नाम है जो कभी नर्वस ना हो, हताश ना हो, डिप्रेस नहीं हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसकी नेचर है, इसका नाम टैलेंट है। अब समझ गए होंगे आप। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पैसा ऐसा कमा, अच्छी अच्छी डिग्री वाले, बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले, और जरा सा चेंज आता है लाइफ में, जरा सा, और सुसाइड करने को दौड़ जाती है। मुझे इतना बुरा लगता है जब कोई यंग अच्छा बच्चा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और सुसाइड, एक भी भिखारी ने सुसाइड नहीं किया इस विश्व में। ये पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, एक जरा सा भी केस घट जाता ना, जरा सा भी, जैसे एक अरमान था उससे शादी हो और नहीं हुई, अब जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। अब ये टैलेंट है इसका, ये टैलेंट है, मरने चला गया है। अरे समस्याएं नहीं आए तो तुम आदमी कैसे हो, और समाधान नहीं खोजे तो तुम्हारी प्रतिभा क्या है? जरा सी कोई बात आई, मेरी बस की नहीं है, अरे इतनी जल्दी हताश हो गए आप, मैं नहीं कर सकता। एक सिंपल सा प्रश्न पूछो, सिंपल सा प्रश्न। आज का एक लड़का कभी ऐसा इमेज करता है कि मैं धन्य होऊंगा श्रवण कुमार की समझता रहे, यदि 10 साल 20 साल बिस्तर पर मैंने पापा और मम्मी की हंसकर सेवा की, मैं अपने को धन्य समझूंगा। कौन सोचता है ये बात? कोई कोई लड़की सोचती है मैं ससुराल जाऊंगी और सास ससुर जैसे भी होंगे उनका हृदय जीत के रहूंगी। आज की तारीख में हृदय कौन जीतना चाहता है? ये तो बड़े खतरनाक प्रश्न कर दिए ना, माँ बाप की 10-20 साल सेवा और सास ससुर की सेवा। आजकल इतनी खराब विद्या, क्या कहना चाहिए आपको, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज बढ़ जाने से टैलेंट खत्म ही हो गया। एक भी लड़की ये नहीं सोचती कि हस्बैंड का दिल जीतना है। हस्बैंड बगल में खड़ा, मैं 3-4 बार कह चुका हूँ, हस्बैंड बगल में खड़ा है, मोबाइल पे टिक 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 चैटिंग, टिक 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 डोर छाप। क्या गजब है, ऐसी हालत है। अब इसको कौन, मतलब आप समझ गए, प्रतिभा गिर रही है, ये कहना है मुझे। सुना अंजना प्रतिभाशाली थी, 22 साल संघर्ष करने के बाद भी कैरेक्टर डाउन नहीं हुआ, इसको कहते हैं प्रतिभा। सीता ने सुसाइड नहीं किया, द्रौपदी ने सुसाइड नहीं किया, पांडवों ने संघर्ष किया लेकिन अन्याय नहीं किया, अन्याय नहीं सहा, तो टैलेंट इसका नाम है अन्याय नहीं सहना। रामचंद्र जी ने अपनी सीता की रक्षा के लिए युद्ध किया, ये टैलेंट है। सीता ने आत्मघात नहीं किया, नर्वस नहीं हुआ, पढ़ना हो इस एंगल से पुराण पढ़ना, माने आप क्या सोच चाहते हो, जरा पढ़ लिख गए जरा कुछ हो गया। एक तो क्या कहूंगा आपको, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज और टैलेंट में मैं अंतर कर रहा हूँ। टैलेंट नम्र होता है, माता पिता के चरणों में झुकता है। इन्फॉर्मेटिव नॉलेज, बाप समझता क्या है यार, हाँ इतना बुरा लगता है, ये बच्चे मोबाइल चला लेता है, इसके ग्रैंडफादर ने कहा बेटा जरा इसको बंद कर देना, ओहो दादा, नहीं दादा नहीं, क्या बोलते, ओ ग्रैंडफा, तुम इतना सा नहीं जानते, आउट ऑफ डेटेड। पढ़े लिखे लोग जो अपने माता पिता के बारे में इतना गंदा सोचते हैं, ये टैलेंट नहीं है। जिन्होंने आपको जन्म दिया, शरीर दिया, समाज दिए, संस्कृति दी, संस्कार दिए, अरे क्या कहे कि एक एक पिता की जरा झांक के देखो, अपने बच्चे के लिए जान दे रहे हैं। लेकिन 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 जी कैसा ज्ञान कि तुम नहीं समझ पाए कि तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें इतनी जान देते थे, तुम्हारे पापा भी तुम्हारे लिए इतनी जान देते थे बचपन में जब तुम छोटे थे। मैंने ऐसे कैसे पढ़ा लिखा आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, अपने पिता की केयर ना कर सके, मम्मी की केयर ना कर सके,
इसका मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बात मेरे विद्यालय में भी जोड़ लो तो जोड़ लो, जो आज मैंने दोपहर में कही, यदि एक शिक्षक अपने बच्चों को माता पिता के प्रति विनम्र सेवाशील नहीं बना सकता तो हम उस शिक्षक को क्या कहें, उस विद्या को भी क्या कहें। पंडित साहब की भाषा में सुनाता हूँ, यदि हम इसे विद्या कहेंगे तो कुविद्या किसे कहेंगे। यदि हम इसे विद्या कहेंगे जो पढ़ लिख के डिग्री आ गई डॉक्टर इंजीनियर की IIT की, और लड़का सीधे मुंह बात नहीं कर रहा मम्मी पापा से, दो बटन खोल के ओके जी जी है क्या ओके, आप सच कहते हैं। जो भी आजकल बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो, बच्चियां और बच्चे दो ही, यदि इनके जीवन में नम्रता नहीं है, सेवा नहीं है, भक्ति नहीं है, संस्कार नहीं है, भैया वृत्ति नहीं, समाधि कराने का भाव नहीं है, विनय से सीखने का भाव नहीं है और बात्सल्य से सिखाने का भाव नहीं है, काम स्वयं कर रहे श्रेय दूसरों को दी, ऐसा भाव नहीं है, काहे की विद्या। पंडित साहब ने बताई, मैं वही बात बताता हूँ सुनना, विद्या उसे कहते हैं जो अपने देश से दूर ना करे, अपनी आत्मा से दूर नहीं करे, अपने पंच परमेष्ठी से दूर नहीं करे, अपने देव सास गुरु से दूर नहीं करे, अपने माता पिता से दूर नहीं करे, शॉर्ट में और कह दो तो अपनी संस्कृति से दूर नहीं करे, इसका नाम है विद्या। बाकी सबको विद्या है, जो हमें अहित के मार्ग में लगा दे इसका नाम को विद्या है। अहित समझ गए, अभी डायलॉग बोला था ना जाने कैसे दिन आ गए हैं, सब संपत्ति इकट्ठा करने के मूड में है, इकट्ठे रहने के मूड में नहीं। कहा था भी इकट्ठा कर रहे, कौन ला इकट्ठा करने, जी जाए करोड़ों का बंगला है और रहने वाले दो, हम एक हमारा एक दो ही बुड्ढे, जी जी मतलब क्या निकला इसका, सुना टैलेंट आत्महत्या नहीं करने देता, टैलेंट निराश नहीं होने देता, टैलेंट फ्रस्ट्रेट नहीं होने देता। बोलो टैलेंटेड बनना है मैंने क्या करना है आपको, तो ये तो मैंने आपको एक सामान बताया, सभी बच्चे टैलेंटेड बने, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज से भरने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कितना गजब है विज्ञापन देखा, विज्ञापन आपने एक विज्ञापन देखा होगा बोर्ड पे, ऐसे एक एक पति बैठा एक पत्नी बैठी, या जो भी बैठे होंगे दो ही, अपन यही समझ लो पति पत्नी बैठे, और दोइयों के हाथ में मोबाइल, और विज्ञापन में क्या लिखा है, ओहो दूरियां नजदीकियां बन गई, मेरी ये नहीं समझ आई नजदीकियां दूरी बन गई कि दूरियां नजदीकी बन गई। कितने पास बैठे थे और मोबाइल के चक्कर में दूर हो गए, वो कह रहे नजदीकी बन, नजदीकी कहाँ हो गई। एक तो ये विद्या टैलेंट और इसका अंतर समझ लेना। अब एक चीज और पढ़ानी है, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, क्या बोला मैं, प्रॉस्पेरिटी, बहुत बढ़िया, अच्छे सुन रहे बच्चे, प्रॉपर्टी बढ़ रही है और प्रॉस्पेरिटी घट रही है, मैंने कमाल की बात है। मैंने अभी दो बातें कही, ध्यान सुनना भैया, क्या कहा था मैंने, भारत में एक भी भिखारी ने आत्महत्या नहीं करी, दो भिखारियों ने कभी मुकदमा लड़के संपत्ति का बंटवारा नहीं किया। भिखारियों ने, अनपढ़ लोगों ने आत्महत्या नहीं करी, अनपढ़ लोगों ने तलाक नहीं लिया, देखो जाके आप अनपढ़ लोग तलाक नहीं ले रहे, सहनशील होते हैं भी, उनका कितना अच्छा श्रद्धान होगा, आप झोपड़ी पट्टी में जाके देखो जब पता लगे, गरीबों की बस्तियों में जाके देखो। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति 10-10 डिग्रियां हैं, MA, D.Lit, M.Tech, हाई टेक क्या क्या, और पति पत्नी में बनी नहीं रही, तलाक हो रही है, जो उनके बच्चे तो की तलाक के चक्कर में, इधर पत्नी दुखी उधर पति दुखी, मैंने क्या गजब है जी, कहा टैलेंट है, ऐसा कैसा टैलेंट जो समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। पहले सारी दुनिया को ये लगता था कि सास ससुर खराब होती, अब तो पत्नी कह रही पति खराब होता है, पत्नी खराब होती है, जी जी मतलब क्या निकला। हम इस विद्या को समझे, संपत्ति बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़े, संपन्न होने के चक्कर में हो। संपत्ति और संपन्न का मतलब बता देता हूं आपको, सुनोगे बेटे नींद आ रही है तो छोड़ दो, हैं अच्छे बैठ जाओ थोड़ी सी देर, बस मैं बहुत कम समय में अपना पीरियड पूरा कर रहा हूँ।
मैं भी थका ही हुआ हूँ, बोल रहा हूँ मजबूरी में, लेकिन मुझे अब मैं सोच रहा चलो कह तो दूं कम से कम, आप विचार करना इसका। अब संपत्ति तो समझते हैं जी, संपत्ति कहलाती है, ध्यान रखना, संपत्ति से आज तक किसी की समाधि नहीं हुई। करोड़ों अरबों पौंड है अमेरिका बैंक ओके कहलाता है, इंग्लैंड वगैरह में इतने पैसे होने पर भी आपको पता है 70% लोग एकाकी की जीवन जी रहे हैं बुढ़ापे में, 70-80 साल के ऊपर। एक बच्चा नहीं है, एक विश्वसनीय नौकर है। एक दृश्य दिखाऊं, आजकल रोबोट आ गए, रोबोट आप देखो घर में भी काम करते हैं, फला करते हैं, आदमी इतना खुश हो रहा है। चलो आदमी में आदमियत नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने रोबोट के आदमी बना लिए। अब एक घट अब बात सुना हूं आपको, रोबोट के आदमी बनने पर क्या होगा। अब एक समय ऐसा आएगा कि घर में एक मेंबर होगा और तो कोई होगा नहीं, बाकी रोबोट होगी। और बाय द वे रोबोट खराब हो गए तो क्या होगा, मतलब वो आदमी घर से बाहर तो झांकेगा नहीं, एयर कंडीशन बंगला है तो खिड़की खुलती नहीं, दरवाजे खुलते नहीं, सब लॉक। ठीक, अब रोबोट ने यदि पिटाई कर दी तो क्या होगा, जब रोबोट इतने सेंसिटिव हो सकते हैं तो एक आदमी गुस्सा भी आ सकता है। गुस्सा आया तुम तो उनके पास गए थे ए ऑर्डर करने के लिए, काम करो, उन्हें एक दिए मिला के धड़ा, कौन आएगा उधर, ये तो बताओ रोबोट की दुनिया में कैसे आदमी खुश हो रहा है ये कह रहे हो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि टैलेंट नहीं है, हम मशीनों के भरोसे हैं, हम मशीनों पर भरोसा है, हमें आदमी को आदमी का भरोसा नहीं रहा, ये टैलेंट नहीं कहलाता है ना। तो संपत्ति से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, सौजन्य से सभी सुखी होते हैं, सेवा से सभी सुखी होते हैं, भैया वृद्धि से आत्मसंतोष मिलता है, दया दान भक्तभाव आदि से प्रसन्नता होती है। अभी एक काम करो बेटा, इतने लोग तो एक तुम गायन करो, कुछ काम करो, ताली बजे तो कैसा लगता है, तुम इधर आओ और कोई देखने वाला नहीं। एक काम करो, जब सब जब सो जाए ना तो जी तुम टॉर्च उठा ले जाना, तो बिल्कुल मजा नहीं आया। और यही टॉर्च अभी गिफ्ट में दी जाए, ये घड़ी गिफ्ट में दी जाए, मैं अपने हाथों से दू, बेटा मेरी पर्सनल घड़ी है, एक ही है, इतने बच्चों में से केवल तुम्हें दे रहा हूं अविस्मरणीय बहन, तो तुम्हें इतना आनंद आएगा, सब तालियां बजाएंगे आपको। उसका आनंद काय कहा था बता ना, संपत्ति में से आया कि संपन्नता में से आया। ठीक है, तो जिंदगी में ध्यान रखना, अपना टैलेंट, अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री का लाभ पैसा कमाने में मत करो, बिल्डिंग बनाने में मत करो, संपत्ति सोना चांदी जोड़ने में मत करो। हो सके तो मानवीयता डेवलप करके, आत्मीयता डेवलप करके मजा तो जा। मैं सच कहता हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे गुरुजी भी भाग्यशाली हैं, तमाम विद्वान भी भाग्यशाली हैं, जो इस बच्चों की दुनिया में जाते हैं, हमारे सारे जो पढ़ाने आए, हमारे मांगोलकर अभी जिनका अपने सम्मान किया, रितेश जी, ये भाग्यशाली हैं, ये पूरा देश इनका परिवार बन गया है, पूरा देश के बच्चे मिलते हैं, कितना अच्छा लगता है। ये है संपन्नता। संपत्ति आपको आईसीयू में ले जाके छोड़ देगी, डिप्रेशन में छोड़ देगी, भाई भाई में लड़ाई करा देगी, महाभारत संपत्ति सुना, संपत्ति तुम्हें भय से मुक्त नहीं होने करने देगी। करोड़ रुपया आ जाए ना तो तुम्हें फौरन डर लगेगा, पत्नी ना ले जाए, भैया ना ले जाए, रिश्तेदार मांगने नहीं आ जाए, पैसा आता है तो भय आ जाता है, डोनेशन मांगने नहीं आ जाए समाज वाले, जो देखो डोनेशन मांगने जाता है, इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़े, छिपाना कितना भयभीत। प्रॉस्पेरिटी सुनना, प्रॉस्पेरिटी संपन्नता किसको कहते हैं। पहले मैं संपन्नता का एक डायलॉग सुनाता हूं, 50 साल की हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम डाले थे ना, परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, तो उसकी जब 50 वर्ष पूरे हो गए थे, 50 वर्ष 45 मैंने 95, तब 50 साल की उन्होंने एक बरसी मनाई थी बहुत बड़े लेवल पर, तो जापान का राष्ट्रपति बोला था, जापान का राष्ट्रपति बहुत प्राउड के साथ पूरे विश्व के सामने इतना बढ़िया भाषण दिया, आप हमारे सारे कारखाने ले लो, आप हमारी सारी संपत्तियां ले लो,
सारी सब कुछ ले लूं, लेकिन मुझे अपने प्यारे विश्वसनीय ईमानदार परिश्रमी नागरिक दे दो, मैं अगले 5 साल में ऐसा ही जापान फिर खड़ा करके रख दूंगा। ये बहुत जबरदस्त लाइन है। आज की तारीख में पिता ये नहीं कह पा रहा, पैसा पकड़ रहे, वो बच्चों का भरोसा नहीं है, बहुओं का भरोसा नहीं है, एक बेटे को भी भरोसा नहीं है कि इस पैसे से मैं कुछ पा सकूंगा, कोई से मुझे कुछ मिलेगा, पैसा पकड़ रहा, क्या मतलब निकला इसका। अब सुना, संपन्नता किसका नाम है? कॉन्फिडेंस का नाम संपन्नता है। एक व्यक्ति को सब संपत्ति छीन के यहां से उठाकर पाकिस्तान में पटक दो, मुस्कराएगा वो, क्योंकि वो संपन्न है, गुणों से संपन्न है, ईमानदारी से संपन्न है, परिश्रम से संपन्न है, हेल्दी है, भूखा नहीं मरेगा, टैलेंटेड है, कुछ कमान प्रैक्टिस कर सकता है। बहुत प्यारा शब्द बोलना चाह रहा हूँ, फोकस करके प्यारा शब्द बोल रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ प्यारा है, 3 बार कह दिया मैंने। सुना, आजकल के पढ़े लिखे लोगों को ऐसा लगता है सड़क पे काम करना पड़े इसमें हमारी शर्म है, परिश्रम करना पड़े इसमें शर्म है, खेती करना पड़े इसमें शर्म है, यदि हमें सड़क पर बैठ कर ईमानदारी की फटे कपड़े में रोटी खाना पड़े तो शर्म है। सुना, मैं इसको टैलेंट नहीं कहता, टैलेंटेड व्यक्ति फटे कपड़े पहन करके भी सड़क पर बैठ करके भी बिजनेस कर ले, ईमानदारी की रूखी रोटी खा ले और मुस्कुराए, यह है टैलेंट और यह है प्रॉस्पेरिटी। आज मैं सच कहता हूं, करोड़ों अरबों रुपया होने पर भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, डिप्रेशन है, अविश्वास है, भय है, मरने को घूम रहे हैं, काहे की संपत्ति हुई। सुना, संपन्न व्यक्ति के पास कुछ नहीं है लेकिन मुस्कुराहट है, समाधान है। एक काम करो, इस व्यक्ति को कहीं भी भेज दो दुनिया में, ये कमा के खा लेगा। रामचंद्र जी संपन्न थे, निकाल दिया, रामचंद्र जी को वनवास दे दिए, राम लक्ष्मण सीता चले गए। आपको पता है राम लक्ष्मण सीता कितने दिन भूखे मरी? राम लक्ष्मण सीता कितने दिन तक खाने को नहीं मिला, बोलो। अच्छा चलो, तो राम लक्ष्मण सीता ने कितने दिन किचन का काम किया, किसी के रसोई का, झाड़ू पट्टी का, कपड़े धोने का, क्यों? ये है गुण संपन्न। मैं कुछ कह रहा हूं, आप सब संपत्ति नहीं संपन्नता रखिए, प्रॉस्पेरिटी का चुनाव कीजिए। आइए पहली प्रॉस्पेरिटी बता रहा हूं, पहली प्रॉस्पेरिटी हेल्थ, संस्कार। ये बच्चा यदि इसे कैंसर नहीं हो तो 1 करोड़ रुपए बचेगा। यदि ये बच्चा जिंदगी में पुड़िया ना खाए, तंबाकू ना खाए, बड़ी सिगरेट ना पिए, शराब ना पिए, गलत संगति नहीं हो, हेल्थ खराब नहीं होगी, 1 करोड़ रुपया बच गया। क्यों? 1 करोड़ रुपया कमा करके 1 करोड़ रुपया बीमारी पर खर्च करना, ये समझदारी है? क्या बोला मैंने? 1 करोड़ रुपया कमा के और 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दे, ये समझदारी है? सुना, 1 करोड़ कमाया नहीं लेकिन 1 करोड़ खर्च नहीं किया, ये हमारी 1 करोड़ की इनकम है। आया समझ आया बेटे? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? समझो, मैं समझाता हूं। आजकल के बच्चे जो IIT में काम कर रहे हैं या और भी जो 12-14 घंटे की जॉब कर रहे हैं, सब बीमारियों पे बिल बढ़ रहे हैं इनके, एसिडिटी, शुगर और क्या क्या बीमारियां हो रही हैं इनकी तमाम, फिर लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, और इतने खुश होते हैं, अरे अब तो वो बहुत अच्छा, वो आ गए, वो नहीं क्या कहलाता एक हार्ट के ऑपरेशन में क्या आ गया, ओपन हार्ट नहीं हो तो पुराना हो गया ओपन हार्ट, अब ना आ गए कुछ क्या डाल देते हैं, हाँ स्टेंट डाल देते हैं, स्टेंट ऐसे कुछ ऐसे डाल देते, अरे खुश हो रहे हैं, बिल्कुल बैलून डाल देते, अरे क्या बैलून, अरे क्यों, भाग्यशाली कौन है जिसे समय पर डॉक्टर मिला और 10 लाख रुपए लग गए, वो ये जिसे कैंसर ही नहीं हुआ। आप समझ गए, संपन्न माने निरोगता। बेटे आप क्या बताएं, इस शिविर में आपको मिला ही मिला है, जो बच्चा यहाँ से निकलने के बाद जिंदगी में शराब सिगरेट बीड़ी नहीं पिया, तंबाकू नहीं खाए, मंदिर गया, पूजा पाठ किया और उसकी जिंदगी बीमारियां नहीं हुई,
लड़ाई झगड़े नहीं हुए, मुकदमे नहीं हुए, समझ लो ये बच्चे 10-10 करोड़ का कमा के जा रहे हैं इस शिविर में से। 10-10 करोड़ आजकल के बच्चे IIT पढ़ रहे हैं, जिनकी मैं कह रहा हूँ पैंक्रियाज खराब, खा सकते नहीं, आंखों पर चश्मा, चांद निकल आया, 12-14 घंटे का जॉब। भैया कभी नहीं करना, तुम में से दी बेस्ट इंटेलिजेंट हो कोई और तुम्हें 50 लाख का पैकेज मिले जिंदगी में, तो तुम 50 लाख मत सोचना, 50 लाख मिल रहे हैं, ये संपत्ति चयन करोगे डिप्रेशन में चले जाओगे। 90% लोग डिप्रेशन में, बड़ी बड़ी जॉब से बेटे नहीं करना। आप कैसे बैठना, कैसे बोलना, सर इस पैकेज को आप हाफ कर दीजिए, वो आश्चर्य करे क्या कह रहे हैं आप, हाफ, लोग तो बड़ा पैकेज के नाम पे खुश होते हैं, 50 लाख। आप कह रहे सर आपने मुझे अपॉइंट कर रहे हो, आपने मुझे सिलेक्ट किया है, थैंक्स बट पैकेज हाफ कर दीजिए। क्यों, मैं 14 आवर्स काम नहीं करना चाहता, मैं 7 आवर्स काम करना चाहता हूं। ये है आपकी संपन्नता। आज मैं बोलूं, आप मेरे साथ चल के देखो, जिनको आप IIT कहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हो, बड़े बड़े प्रतिष्ठित हाईटेक BTech इंजीनियर, ऐसा वैसा, इनकी हालत जाके देखो, 14 घंटे जॉब करने के चक्कर में शरीर खत्म, पत्नी से रिलेशन खत्म, हारे थके घर आए निचोड़े हुए गन्ना जैसे, गन्ना देखा बेटे निचोड़ा हुआ गन्ना, दो ही कंधे डाउन, इतने से भी पटरानी भी हारी थकी आई 12-14 घंटा में, पानी बोई करी पानी, नौकर ना इसके चेहरे पे स्माइल, ना इसके चेहरे पे स्माइल, बच्चों की जिंदगी खराब कर दी आपने, बच्चों को मम्मी पापा नहीं मिल रहे, प्यार नहीं मिल रहा, अपना तो नहीं मिल रहा है ना, भाई है ना भाई, अरे भाई ये तो भाई जैसे पालेगी, सेठानी सेठानी जैसे पालेगी, और नौकरानी नौकरानी जैसे पालेगी, अब जी अक्कल में नहीं है। मैंने बच्चा, आप बच्चे, मैं क्या कहूं, मेरे से कहो जो माँ अपने बच्चे के साथ डायल्यूट रहती है, प्रसन्न रहती है, ये उसकी प्रॉस्पेरिटी है। मेरे से जितनी मम्मी ये पूछती है कई बार, पंडित जी हम अपने बच्चे को छठी के बाद कहाँ भेज दें, मैंने कहीं मत भेजो, अपने घर में रखो, इतना सुंदर खिलौना काहे को बर्बाद कर रहे इधर उधर, लेकिन कितना बाहर, एक बच्चा बाहर हो गया, एक बच्चे के साथ खेल नहीं पाते। जब एक बार बताओ, जब एक मम्मी अपने बच्चे को बाहर समझती है तो बार्डन क्या करेगी, वहां वो आया क्या करेगी, आया मेरा बस चले तो कम से कम 10वीं तक तो किसी भी कीमत पर एक भी बच्चे को या बच्ची को अपनी आंचल से दूर मत कर, अपने पास रखो, रोज देखो, रोज मुस्कुराओ। मैं सच कहता हूँ, मुझे आंखों में आंसू आते, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं और बार्डन जब मतलब हमारे हॉस्टल में और रात को सोते हैं, मुझे आंसू आते, ये बच्चा अपनी माँ के पास होता है, माँ इसके सिर पे हाथ रख रही होती, प्यार कर रही होती, आज माँ नहीं है, ये बच्चे कैसे रहे, माँ को समझ में नहीं आ रही ये बात, मम्मी पापा बच्चे के मुख नहीं देखना चाह रहे, शोक नहीं देखना चाह रहे, उसे बड़ा होता हुआ नहीं देखना चाह रहे हैं। पंडित जी झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, मालूम कौन करवा रहा है ये, कौन, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा मर गया बेचारा, बड़ी रैंक, बड़ा डिग्री, बड़ी 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 काय की बड़ी। मैं बोलूं एक बार, ऐसे बच्चों को जानता हूं जो कक्षा 6 से घर से गए फिर घर से मैं लौटे ही नहीं, कुछ कहा मैंने, क्या कहा, कक्षा 6 से हॉस्टल में चला गया, कौन सा हॉस्टल कहलाता जी, सेंट्रल स्कूल का, नवोदय वगैरह, अब 5वीं पास की और बच्चे को अरमान बड़ा आदमी बनेगा, उस चक्कर में हॉस्टल में गया नवोदय, अब नवोदय में आलू प्याज खा रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है, मंदिर गायब हो गया, पूजन पाठ भक्ति सटाव से खत्म हो गए, अब वो वहां से निकला और वहां के हॉस्टल में चला गया, वहां के हॉस्टल से निकला कॉलेज के हॉस्टल में चला गया, कॉलेज के हॉस्टल में नौकरी लगी, कैंपस सिलेक्शन, इसके बाद अमेरिका चला गया। 5 साल की 5वीं कक्षा के बाद से मम्मी पापा ने बच्चे की
ढंग से शकल नहीं देगी, बस टेलीफोनिक बच्चा, नहीं समझ गया, टेलीफोनिक बच्चा, बस जितना प्यार करना टेलीफोन भी करो, बेटे कैसे हो बेटे, रोत रहो रोत रहो, तुम्हारे भाग में रो नहीं लिखा। है धिक्कार है धिक्कार, काहे के ग्रस्त होता हम सही। अरे मैंने अपने घर के भतीजे वगैरह ही ना, घर हमारे घर के भतीजे एक को भी नहीं कहा तुझे कहीं जाना है, रिलैक्स होके पढ़ाई करो, नो टेंशन नो बर्डन, नहीं बेटे पैसा समझ गए हाथ का मेल है। जब कोई लड़का हमसे कहता ना पंडित जी मैं IIT बनूंगा, मैं ढोर तू बॉस नहीं बन सकता, बॉस तू IIT को खरीद लेना, तू सेठ बन के ऐसे बैठ, दो IT को बुलाओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, भैया हमारे अकाउंट कंप्यूटर पर करो, यस सर करेंगे और तुम्हारे कंप्यूटर करेंगे, करते रहेंगे। तुम काय को लगे अपनी माथा आंखें फोड़ में गलाए, तुम अपनी आंखें शास्त्र में लगाओ, उन्हें खरीद लो, तुम क्यों बन रहे हो, डॉक्टर खरीद लो इंजीनियर खरीद लो, खरीद लेने तुम इधर बैठो आराम से। मैं कुछ कह रहा हूं, मुझे इतनी पीड़ा होती है इस बात की, बच्चे को पढ़ाने के नाम पे शकल ही नहीं देख पा रहे, और जब मिलते भी है तो बच्चा भी डरता है, मुठभेड़ मुठभेड़ समझते हो, मुठभेड़ आतंकवादी और पुलिस की। बेटा आया पापा के सामने, उसे पता है अभी फायरिंग होने वाली है। बस आ गए नवाब साहब, खेली आए पढ़ती नहीं है, आवारा बेवकूफ, मतलब उन्होंने अपनी सारी क्वालिटी बता दी। कि पापा कौन सी क्वालिटी की। अरे क्या हो गया आपको, पता है डांटने का नियम क्या है, किसी को पता है डांटने का नियम क्या है? यदि आप एक चांटा मारते ना तो उसे 99 टाइम अधिक उसे प्यार कर, जो 10 बार प्यार से सहलाते ना, एक बार थप्पड़ मारते बुरा नहीं लगता, लेकिन थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जाए बेवकूफ की औलाद, दे मिला गए। अरे प्यार तो था, मेरे जैसे डांटने वाला नहीं मिलेगा आपको। मैंने कॉलेज में पढ़ाते समय MCOM की लड़कियों को डांटा है, कोई को बिलीव भी नहीं होगा। 40 मिनट का पीरियड, जैसे तुम्हारे प्रवचन में कर रहा हूँ, 40 मिनट में डांटा है और ऐसे सुना है सामने मिलकर। BCOM के विद्यार्थियों को, लड़कों को, स्टूडेंट्स को कोई नहीं डांटता, लेकिन मैंने डांटा है। अब ये मुझे पता भी नहीं है तो मैं कब डांट देता हूँ, मैंने डांटा उनको। अब मुझे तो तब पता लगा जब मैं बाहर से निकल रहा था, पीरियड पूरा हो गया तो मैं निकल रहा था BCOM फाइनल की क्लास में से, टैक्सी से पढ़ा के निकल रहा था, तो मैंने डांटा था कोई बात पे, जो भी कुछ कहा होगा पता नहीं मुझे याद, ऐसे कुछ कहा होगा मुझे पता भी नहीं लगता वो कब। तो बाहर निकलते से 4-6 लड़के तो खड़े हो ही जाते हैं, सब लड़के खड़े खड़े आपस में बात कर रहे, अरे आज सर बहुत झाड़ू है, बहुत झाड़ता है, मैंने डांटता है ऐसे से। तो एक लड़का उसमें से जो बोला वो डायलॉग सुनवा, अरे यार जो प्यार करता है ना उसे डांटने का अधिकार होता है। मुझे इतनी खुशी हुई कि बच्चे कितना पहचानते, मैंने डांट दिया तो अभी वो कह रहे हैं जो प्यार करते हैं उन्हें डांटने का अधिकार होता है। समझ लो भैया अपनी जिंदगी में ऐसे काम। तो संपन्नता समझ में आई, संपन्नता काय का नाम है, आप बीमार नहीं हुए ये संपन्नता है, आपकी विनम्रता संपन्नता है। विनम्र आदमी विश्व में किसी संप्रदाय में चला जाए सुखी रहेगा, और टेढ़ा आदमी, टेढ़ा समझिए अकड़वार, वो घर में ही सुख से नहीं रह पाएगा, बाहर तो काय को सुखी रहेगा। आगे वही समझ में आई बस, आहा, 3 लोग की संपदा होने की चरण चूमती है, जो नम्र होते हैं, सौजन्यशील होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब तक सच में करोड़ों रुपया है और प्रसन्न तक आया, हम नहीं मानते संपत्ति, मेरे पास संपत्ति नहीं लेकिन संपन्नता बहुत है, सचमुच उसी का आनंद ले रहा हूं 24 घंटे, संपन्नता। आगे समझ में आए बेटे, तो सब लोग विचार करना जिंदगी में संपत्ति बढ़े या ना बढ़े। अरे सच बोलूं, जैन शासन क्या सिखाता है,
मालूम क्या सिखाता है? संपत्ति कमाना नहीं, चक्रवर्ती की संपदा को ठोकर मारना सिखाता है। अब बता, सम्यक दर्शन संपदा है, संपन्नता। हमें पढ़ा है गुण संपन्न, शुद्ध पर्याय संपन्न, अनंत चतुष्टय संपन्न। अब सोचे जाए, संपदा के चक्कर में केवल ज्ञान ठुकरा हो गया, दोनों में से कोई एक ठुकरा हो गया, बोलो क्या ठुकराना है, संपदा या संपन्नता? अनंत चतुष्ट, अनंत चतुष्ट संपदा है, अनंत सुख संपदा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए और हमारे अलौकिक गुणों का विकास, अतीन्द्रिय गुणों का विकास, ये संपदा है। अब बोलो संपत्ति चाहिए कि संपदा चाहिए? बोलो संपन्न, संपन्न रहो, खूब आनंद कर। आप एक काम करो, मैं सच कर रहा हूं, मैंने इन सबको फॉलो करने की कोशिश की, आप मेरा सब छोड़ा लो, सब छोड़ा लो, लेकिन आप मुझे दुखी नहीं कर सको। क्यों? आनंद इधर से चल रहा है। अभी आप सब मेरे से क्यों खुश हो? क्योंकि मेरी सोचने की स्टाइल, तरीका, आर्ट ऑफ लिविंग समझ लो, मेरी आर्ट ऑफ लिविंग समझ लो, इसी से तो आप खुश हो। आपको पता है दुखी आदमी दुख में निमित्त होता है। क्या कहा हमने? दुखी आदमी, शाम का टाइम एक चुटकुला सुना रहा हूं, चुटकुला मैंने अकबर बीरबल का किस्सा सुना दू, शाम का टाइम है, रिलैक्स हो जाओगे थोड़े से, तो अच्छी बात तो बता नहीं। इसके बाद मुझे एक बहुत पतली सी जगह थी, पतली सी जगह मानी ज्यादा लोग नहीं चल सकते, एक ही आदमी निकल सकता था गली में से, और आगे आगे अकबर चले जा रहे थे, पीछे पीछे बीरबल, उनके पीछे और मैं, सब सेनापति एक के बाद एक सेना, और सबसे पीछे रानी चल रही थी, पटरानी, उनकी रानी, अकबर की बेगम, और सबसे पीछे चल रही। बेगम को जाने कहा सूझी, चलते चलते बोर हो रही होगी, कछी होगी, और एक प्रभुत्व तो रहता ही है। सो अपने आगे चलने वाले सेनापति को एक थप्पड़ खेल दिया तो वो बिना बात पड़ गया बेचारा। अब जब सेनापति पिटेगा तो वो अपना गुस्सा किसी पे तो उतारेगा, सो आगे वाले को उतार दिया आगे वाले ने, फिर आगे वाले को उतार दिया, ऐसे उतरते उतरते वो बीरबल में पड़ा अब बीरबल क्या करे, सब बीरबल में अकबर में थी अब अकबर को गुस्सा आ गई तूने मुझे क्यों मारा? सोनर एक दिया खींच के बीरबल को मुझे बिना बात क्यों मारा, बीरबल में दिया, तो बीरबल ने पीछे वाले को दिया, तो पीछे पहुंचते पहुंचते वो रानी में पड़ा धड़ा अब रानी तो रानी ही बेचारी, अब रानी क्या करेगा? बेगम, ए तेरे में इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा? नहीं, बोले आपके टेलीग्राम का जवाब आया है आपके कुछ समझ आया? मैंने क्या समझाया इसमें? घर में 10 मेंबर हैं, एक व्यक्ति दुखी होता है, उन्हें देख के दूसरा दुखी, दूसरे को देख के तीसरा दुखी, तीसरे को देख के चौथा दुखी, चौथे को देख के पांचवा दुखी, सब दुखी है दुखी, और एक प्रसन्न हो उसे देख के दूसरा प्रसन्न, दूसरे को देख के तीसरा प्रसन्न, तीसरे को देख के चौथा प्रसन्न, सब प्रसन्न नहीं रहे। इसीलिए हम कहते हैं सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले प्रसन्न अनंत भगवान का दर्शन करो, अपनी आत्मा का दर्शन करो, धर्मात्माओं के दर्शन करो, सुखी लोगों के दर्शन करो। जी संपन्नता है, कुछ समझ गए संपन्नता क्या चीज है? अब एक काम करना, प्रथमान योग पढ़ना बेटा, आप ऐसे ऐसे महापुरुषों के चरित्र पढ़ोगे, एक पैसा साथ में लेके नहीं निकले, कपड़ा लेके साथ नहीं निकले, बलदेव वगैरह, वासुदेव, और ऐसे निकल गए, और कितनी शादियां हुई हट हट, संपत्ति की कमी नहीं पड़ी। गजमोती नाटक हुआ था, गजमोती नाटक हुआ था, वो जो सबसे छोटा बेटा था भूतसेन, याद है स्टोरी? भूतसेन सबसे छोटा, क्या लेके निकला था? जब उसको निकाल दिया था, छह भाइयों ने, माता पिता ने निकाल दिया, तो क्या लेके निकला था? और अपनी पत्नी को लेके क्या निकला? पत्नी कैसे निकली थी? सोना चांदी लेके। दोनों कैसे निकले थे? कुछ कहना है मुझे? संपत्ति लेके नहीं निकले थे, लेकिन संपन्नता लेके निकले थे, और उसी संपन्नता के बल पर उनके ठाट वापस हो गए।
और वे संपत्ति पकड़ी थी उन्होंने, संपन्नता नहीं पकड़ी थी, भक्ति नहीं थी, विनय नहीं था, विश्वास नहीं था, धोखेबाजी थी। नाटक याद आ रहा है आपको? धोखेबाजी थी, छल से निकाल दिया उनको, ईर्ष्या से निकाल दिया। सुनो, वो सारी संपदा नगर सेठ चली गई संपत्ति। सुनो, संपन्नता तुम्हें संकट में भी साथ नहीं छोड़ती, और संपदा स्वयं संकट है। संपत्ति, जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? संपत्ति स्वयं संकट है, और जो संपन्नता है प्रॉस्पेरिटी, वो संकट में भी साथ नहीं छोड़ती। सुना, नरक में श्रेणी का जीव दुखी है कि सुखी है? है? नरक में श्रेणी का जीव दुखी है कि सुखी है? अब हाँ, संपदा नहीं है। संपदा, सुनो ध्यान से, संपदा सुविधा दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। क्या बोला? संपदा सुविधा दे सकता है। सुनो, सुविधा नहीं है नरक में श्रेणी को, लेकिन सुखी है। याद आया आपको कुछ कि बोलूं? बच्चे लोग बोलोगे आप? सुना है आपने, धन से बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं। याद आया सबको? धन से भोजन मिल सकता है, पाचन नहीं। और बोलो क्या क्या पढ़ते हो उसमें? धन से क्या क्या मिल सकता है? धन से पुस्तकें मिल सकती, शाबाश, ज्ञान नहीं। धन से मित्र मिल सकते हैं, भरोसेदार साथी नहीं मिल सकता। पढ़ा है? पढ़ लो, बहुत लंबी छोटी बात है। संपत्ति से क्या मिलेगा बेटा, बोलो? कुछ सुविधाएं मिलेंगी। ओ, अब बोलो, सच कहता हूं मैं तो अभी बहुत कम शब्दों में बोल रहा हूँ। मेरा बस चल रहा था एक एक टॉपिक में घुटाई कराऊं आपको, दृष्टांत दे देकर के सारी दुनिया दिखाए। जैसे मुझे संपत्ति अच्छी नहीं लगी, ऐसे मैं चाहता हूँ आप लोग भी जिंदगी में संपत्ति के लिए बेईमानी नहीं करना। संपत्ति भ्रष्टाचार सिखाती है, बेईमानी सिखाती है, भाई भाई में झगड़ा कराती है, महाभारत कराती है, और संपन्नता सारे विश्व का परिवार बना देती है। संपन्नता समझ गए? संपन्नता सोचना कितने पॉइंट हो सकते हैं, मैंने तो बता दिए, मेरे पास लिखित भी है पॉइंट। संपन्न जीव अद्भुत अद्भुत अद्भुत। लेकिन अब दिक्कत, अब फिर से सुनो, संपदा का एक पॉइंट, संपदा दिखाई देती है और संपन्नता महसूस होती है। क्या कह गए हो? संपन्नता, संपत्ति दिखाई देगी प्रॉपर्टी आपको, और प्रॉस्पेरिटी फील होगी आपको, फीलिंग होगी आपको। आए समझ में? संपत्ति ने बहुत दुख दिए जी को, संपत्ति के चक्कर में बहुत दुखी हुआ है। संपन्नता अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है। खूब निर्णय करना, स्वाध्याय करना। अब एक पंक्ति गा रहा हूं, आप में से कोई को याद होगी, बच्चों को तो शायद याद नहीं होगी, बड़ों को याद होगी। धन समाज गज बाज राज तो काज ना होई, ज्ञान आप को रूप भए फिर अचल रहा होई, तास ज्ञान को कारण सबर विवेक बखान। कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और आना। काय का प्रवचन किया भैया मैंने अभी? इसका किया, धन समाज का रिवाज रहा है। सही बता नहीं ईमानदारी से अशोक भाई? अपन भले ही कह देते धन में कुछ नहीं, धन में कुछ नहीं लगता तो यही है। मैं भोजन करने गया कोई सेठ जी के यहाँ, तो हमारे साथ ब्रह्मचारी भाई। अब सेठ जी, हम भोजन कर चुके थे, सेठ जी थाली उठाने लगे, तो हमारे भाई लोग, आप रहे क्या कर रहे हो तुम? क्यों, ये करोड़पति सेठ है तो हमारी थाली उठाने पाप है कुछ? बुरा है। ब्रह्मचारी बड़ा होता है संपन्न, ब्रह्मचारी संपन्न वो बड़ा होता है या संपत्ति से बड़ा होता है? तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, उससे कहा तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य तीन लोग की संपदा से बड़ी संपदा होती है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? दीन थाली, सेठ जी थाली उठाएंगे। सेठ जी सुना, सेठ जी कह रहे हमारा आज महासौभाग्य, मोक्षगामी जीवों को हम आहार करा रहे, हमारा सौभाग्य। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ कहा मैंने?
ऐसे कभी समझ दो बेटे सभी लोग, आनंद तब आए तुम इन गुणों की तलाश करो। जिस व्यक्ति के पास अतीन्द्रिय गुण हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो, लौकिक के गुण करो, लौकिक के गुण करो, न्याय हो, निष्ठा हो, विश्वास हो, सौजन्य हो, सेवक हो, समाधि कराने वाला हो, सट आवश्यक संपन्न हो, यहां से जीवों को पा करके खुश हो जाओ। यहां से नहीं आगे बढ़ो, और इतना बड़ो सेठ, इतनी बड़ी कार। सुनो संपत्ति क्या बोला था मैंने, एक शब्द कोई बोलेगा बच्चों में से, संपत्ति स्वयं विपत्ति है और संपन्नता सुख से भरा हुआ है, सुखमयी है। सभी अतीन्द्रिय आत्मा के गुणों को बढ़ाएं, इस बात को सभी विचार करना। अभी तो आप थके हारे हो गए सब लोग, आज का प्रवचन बहुत विचार करना, ये जो चर्चा की अपन ने बहुत विचार, तब आपको समझ में आएगा। धन समाज गजबाज राज, तो एक कहावत पढ़ी बेटी, पढ़ी होगी सब लोगों ने, याद आ जाएगी आपको, धन गया तो कुछ नहीं गया। लौकिक की नीति है, धन गया कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चारित्र गया, सील गया तो सब गया। पढ़ी होगी ये बात, सोचना जरा शांति से, हमारा सील गया माने सब कुछ चला गया। याद आ रही बहुत सारी बातें, करोड़ों की संपदा थी, वो मयूरी का नाम की लड़की जो परसों गिर के मर गई, क्यों, मां एक्सपायर हो गई, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, बच्ची को कौन देखे, कौन प्रेम से गले लगाए, कौन उसे देखो बेटे, जब तक माँ बाप हैं तो उनकी कीमत नहीं आती। वो लड़की कितनी डिप्रेशन में होगी, सेकंड माँ आ गई स्टेप, मतलब क्या कहना, सौतेली माँ आ गई, अब वो कोचिंग में पढ़ने जा रही, कौन पूछ रहा कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, कच्छ में आई मर गई, कैसे मरी होगी, हालातों का सोचा तो जरा। एक तरफ संपत्ति बढ़ रही हो, प्रेम और सौजन्यता घट रही है, समझ गए बेटे क्यों पढ़ाई आज ये बात आपको, जिंदगी में संपत्ति और संपन्नता का अंतर विचार करना, संपत्ति तजना, संपन्नता ग्रहण करना, अपन सब मोक्ष में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, जय जिनेन, जिन वाणी विराजमान नहीं की अपन ने, इसलिए जय जिनेन। एक फार्म आई बेटी हमारे पास।